स्टूडेंट्स, दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्री बोर्ड वन क्वेश्चन पेपर एंड इट्स सॉल्यूशन. सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन पेपर. दिस इज द क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वन 2023-24 सेट वन. Here are some instructions. This question paper contains five sections, section A to E. All questions are compulsory. Section A has 18 questions carrying 1 mark each. MCQ ka hai aapka ye question number 1 to 18, jisme 17 aur 18 question assertion aur reasoning ka hai. Section B has 7 very short answer type questions having 2 marks each. Section C 5 short answer type questions carrying 3 marks each. Section D 3 long. ये जो according to new scheme of CBSE ये जो section D है, 5 number के 3 question, इसे section E बना दिया गया है. और section E में 2 question है 4-4 number के, उसे section D बना दिया है. यानि कि section अभी जो ये paper है मेरा, ये ओल्ड जो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर था उसके अकॉर्डिंग बन गया है, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, सेक्शन डी और ई को एक्सचेंज कर लेना है. ठीक है, तो आपका लेटेस्ट बन जाएगा, यानी 5 मार्कर एंड में आ जाएगा और ये सेक्शन ई विल बिकम सेक्शन डी. 4 मार्कर्स 2 क्वेश्चंस, ये सेक्शन डी बन जाएगा. राइट, ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली. तो क्वेश्चंस देखते जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग का एग्जांपल कौन सा नहीं है. आपके सामने क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर्स, यू कैन सी कॉपिंग क्लासमेट पर्सनल फोटो अगेंस्ट हिज हर परमिशन फ्रॉम हिज सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेंडिंग इट टू अदर फ्रेंड्स ऑन देयर ईमेल्स. Bullying a classmate in the school corridor, threatening someone on WhatsApp, posting mean messages about someone on their social media account. So, is not an example of. तो इसमें example कौन सा नहीं है, बाकी सारे example हैं. This is not an example of cyber bullying. Internet is an example of, obviously when. ठीक है, if a column fees contains this, what will be the output after execution of the query. Select average of distinct fees. इसमें से distinct fees निकालिए, अलग अलग unique values of fees 5000, 8000 और 75000, 100. ये duplicate है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, you can just total out 5 plus 8 plus 7500 20,500 हो गया, उसका एवरेज निकाल लीजिए. सिंस इट इज रिटन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक वैल्यूज ऑफ फीस. राइट, उसका एवरेज करेंगे, तीन वैल्यूज को टोटल करके 3 से डिवाइड किया, तो आंसर शुड बी 6833.33. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मेक ई वेस्ट हैजार्डस इन नेचर. तो यहाँ पर आपका लेड, प्लास्टिक, ग्लास, आयरन. सो लेड इज़ द करेक्ट आंसर. इट इज़ हैजार्डस टू द नेचर. ई वेस्ट में लेड भी पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th इज विच इज़ नॉट वैलिड ऑपरेटर इन एसक्यूएल. एसक्यूएल में इन यूज़ होता है, लाइक यूज़ हो सकता है, इज़ नॉट नल यूज़ हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट वैलिड ऑपरेटर इन एसक्यूएल. A in MAC stands for Media Access Control. So, इसका A for Access. MAC address and IP address पढ़ा होगा आपने, physical address on the Ethernet card, है ना, पढ़िए उसको. Which SQL statement do we use to find out the highest value present in quantity column in the table orders? Large कोई function नहीं, highest function नहीं, maximum function नहीं, this is the right answer. ठीक है, मैक्स फंक्शन यूज होगा हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फंक्शन. राउंड, एसक्यूआरटी, काउंट, पीओडब्ल्यू. काउंट इज एन एग्रीगेट फंक्शन, रेस्ट आर सिंगल रो फंक्शन. अदर्स काउंट इज ए मल्टी रो और एग्रीगेट फंक्शन, है ना, पढ़ा होगा आपने.
Which one of the following is used to find the lowest value from the given data in MySQL? Min, minimum, small, low. मिनिमम स्मॉल लो कोई फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। टू डिस्प्ले फर्स्ट फाइव रोज ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट एस वी में हैव एस डॉट हेड, एच कैपिटल या स्मॉल का ध्यान रखिए, कई बच्चे ये लगा देते हैं कैपिटल एच वाला, नो, हेड फंक्शन एच ई ए डी, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर रिटन इन स्मॉल लेटर, टॉप फाइव रोज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये देता है, पता होगा आपको, वेरी इजी फंक्शन इट इज़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इम्पोर्ट मैट प्लॉटलिब लाइब्रेरी एंड पाई प्लॉट मॉड्यूल, सो ये आई कैपिटल है, रिजेक्ट कीजिए, इम्पोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट की स्पेलिंग गलत है, इम्पोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पी वाई ये आपका सही लग रहा है, दूसरा है इम्पोर्ट मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट, सो थर्ड इज करेक्ट आंसर। डाटा फ्रेम में एक्सिस जीरो क्या इंडिकेट करता है? रो को इंडिकेट करता है, ठीक है। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर? वेब सर्वर का एग्जाम्पल IIS वेब सर्वर है, ये वेब ब्राउजर है, दिस इज करेक्ट आंसर, अदर्स आर वेब सर्वर। SQL में कौन सा फंक्शन करेंट डेट डिस्प्ले कर सकता है? कर डेट फंक्शन, राइट, कर डेट फंक्शन। अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग होता है सॉफ्टवेयर के लिए, नॉट कॉपी राइट। द एक्ट ऑफ कॉपी राइट किस लिए होता है? लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, है ना, कोई पोइम है, इसके सब के लिए। द एक्ट ऑफ फ्रॉडेंटली एक्वायरिंग समवंस पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज ऑनलाइन अकाउंट नेम्स लॉग इन एंड ऑल दिस, द टर्म इज फिशिंग, ठीक है। 17 और 18 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग के हैं, तो असर्शन और रीजनिंग में ये चार ऑप्शन दिए होते हैं, बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और थर्ड और फोर्थ होता है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि असर्शन और रीजनिंग में कौन सा एप्लीकेबल होगा इन चारों ऑप्शन में से। पहला देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट इज ए ट्रेल ऑफ डाटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट और यूज एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल टू फिल इन डेटा और परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इधर लिख रहा है व्हाइल ऑनलाइन ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट आवर सेल्फ्स, हाउ बेस्ट टू रिलेट विद अदर्स एंड व्हाट एथिक्स मोरल्स एंड वैल्यूज टू मेंटेन, और ये किस चीज़ के बारे में आपको दिया हुआ है? नेटिकेट के बारे में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट कोई किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट इसका आंसर होना चाहिए, है ना, आंसर शुड बी सेकेंड पार्ट, आंसर शुड बी सेकेंड पार्ट, राइट। यहाँ मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, 18th, डेटा विजुअलाइजेशन रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स एट्सेट्रा, और फिर लिखता है टू इंस्टॉल मैट प्लॉटलिब लाइब्रेरी वी कैन यूज द कमांड पिप इंस्टॉल मैट प्लॉटलिब, दोनों का कनेक्शन कुछ भी नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं बट बोथ आर नॉट कनेक्टेड, दैट मीन्स आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका भी आपका जो आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आप कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका भी आंसर यही होना चाहिए, राइट। नाउ ये 18 क्वेश्चन सेक्शन ए कंप्लीट होता है, 1-1 मार्कर ईच। अब आता है एक्सप्लेन द टर्म वेबसाइट एंड वेब सर्वर, वेबसाइट क्या है और वेब सर्वर क्या है, या इसके अगेंस्ट और में करके मेंशन एनी फोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब आपको
लिखना है और उसके फुल फॉर्म लिख देने, एक आध लाइन का एक्सप्लेनेशन देना चाहें दे सकते हैं, बट टू मार्कर में नेम ऑफ द नेटवर्क एज वेल एज इट्स एक्सपेंशन इज सफिशियंट। एक्सप्लेन द टर्म वेबसाइट क्या है और वेब सर्वर क्या है, इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने यहाँ पर दी हुई है, ये आपका सॉल्यूशन है, आंसर की है, ये सारे सॉल्यूशंस इसमें दिए हुए। नाउ यू कैन सी हियर, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज पब्लिश्ड ऑन एट लीस्ट, इसे आप पूरा कंटेंट यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, एंड आई कैन शो यू कंप्लीट कंटेंट। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर। वेबसाइट जो है वो आप बनाते हैं किससे, वेब पेजेस के कलेक्शन से, और वेब पेजेस जो है HTML में बनाए जाते हैं, टिपिकली डेडिकेटेड पार्टिकुलर टॉपिक पर्पस सच एज न्यूज़, एजुकेशन, कॉमर्स, एंटरटेनमेंट एंड सोशल नेटवर्किंग। सो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है शॉर्ट में कहें तो, और जो कि HTML का यूज़ करके बनाया जाता है। वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर पब्लिश्ड इन द वेबसाइट एंड दैट इज़ होस्टेड थ्रू सम वेब सर्वर, वो आप पढ़ लीजिएगा। वेब सर्वर क्या है, अ वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड अ वेबसाइट कंपोनेंट फाइल्स, फॉर एग्जांपल HTML डॉक्यूमेंट, इमेजेस, CSS, स्टाइल शीट एंड JavaScript फाइल्स होती हैं। इससे आपने वेबसाइट बनाई हुई और वेबसाइट को किसी वेब सर्वर पर होस्ट कर दिया जाता है, सो दैट यू कैन क्लिक दैट पार्टिकुलर वेबसाइट टू एक्सेस सिटिंग एनी इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एट एनी टाइम, ठीक है। तो जिससे आपको उससे वेबसाइट से रिलेटेड डेटा विच इज़ होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर कैन बी ऑब्टेन एनी वेयर, ठीक है, एट एनी टाइम। इसके बाद आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रश्मि एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिपार्टमेंट प्रेजेंट इन टेबल EMP उसे डिस्प्ले करना है। उसके लिए उसने कमांड लिखी सेलेक्ट डी नेम काउंट यूनिक डी नेम फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डी नेम। डिपार्टमेंट नेम वाइज उसकी काउंटिंग करनी है कि हर डिपार्टमेंट की काउंटिंग कितनी है, डी नेम की वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है। तो यहाँ यूनिक कीवर्ड ना लग के क्या लगाना चाहिए, डिस्टिंक्ट लगाना चाहिए। हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द रीज़न ऑफ द एरर, तो एरर यही है कि यूनिक वर्ड शुड नॉट बी देयर, यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड आना चाहिए। हेयर द कमांड शुड बी दिस वन, देयर शुड नॉट बी यूनिक कीवर्ड इन टू कीवर्ड टू आइडेंटिफाई यूनिक नेम्स, राइट, इन प्लेस डिस्टिंक्ट शुड बी यूज। सो करेक्ट कमांड विल बी सेलेक्ट डी नेम काउंट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डी नेम, दिस इज द करेक्ट कमांड। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए ग्रुप बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इन SQL एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ से ग्रुप बाय का आप यूसेज लिख देंगे, किस लिए ग्रुप बाय यूज़ किया जाता है, ग्रुप्स को बंच में करके और उसका एग्रीगेशन करने के लिए, उसे समराइज करने के लिए ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू ग्रुप रोज इन टू द सेट ऑफ समरी रोज बाई वैल्यूज ऑफ कॉलम्स और एक्सप्रेशन। और ग्रुप बाई के लिए आपको क्या होगा, एग्रीगेट फंक्शंस उस सेलेक्ट स्टेटमेंट में जरूर इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। द ग्रुप बाई क्लॉज रिटर्न्स वन रो पर ग्रुप। द ग्रुप बाई क्लॉज इज ऑफन यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस सच एज AVG काउंट मैक्स मिन एंड सम। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और एग्जाम्पल की बात करें तो एक टू फाइंड आउट एवरेज मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, SQL कमांड क्या बनेगी, सेलेक्ट क्लास और उसके एवरेज मार्क्स, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट, और उसके बाद ग्रुप बाय किस पर लगा दो, क्लास पर लगा दीजिए ग्रुप बाय।
तो क्लास वाइज एवरेज मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट स्टार से आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी, है ना, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो डिक्शनरी में क्या कर लीजिए, ये कीज़ हो गई, स्टेट के नेम कीज़ हो गई, और ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। इससे एक डिक्शनरी बना लीजिए, डिक्शनरी को सीरीज़ फंक्शन में पास कर दीजिए एंड योर सीरीज़ विल बी क्रिएटेड लाइक दिस। इम्पोर्ट कर लीजिए, पहले इम्पोर्ट का आई स्मॉल होना चाहिए, रिमेम्बर, देन डिक्शनरी हैज़ बीन क्रिएटेड, देयर आफ्टर सीरीज़ एस वन इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ डाटा पास कर दिया, प्रिंट एस वन कर दिया, योर सीरीज इज क्रिएटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फोर मेजर्स टू रिसाइकल योर ई वेस्ट सेफली, चार तरीके, अच्छे तरीके जिससे आप अपने ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करा सकते हो सेफली, बिकॉज देर आर हार्मफुल मटेरियल्स इन द ई वेस्ट, ई वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू अ सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर, डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं और इनके बारे में आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। यू कैन गो थ्रू योर बुक कंटेंट, यू विल फाइंड द एग्जैक्ट आंसर्स लाइक दिस। मैन मेनी पॉइंट्स आर देयर टू रिसाइकल द ई वेस्ट प्रॉपरली। फोर फिजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आई विजन प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कॉन्स्टेंटली स्क्रीन एक्सपोजर होता है आँखों के सामने, तो इस तरह से आई विजन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, डिसरप्टिव स्लीप एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है, बैक प्रॉब्लम हो जाती है, देर आर वेरी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कंसिस्टेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हेयर ऑल दिस आर रिटन, यू कैन गो थ्रू, गिवन इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन, हेयर इट इज़ ए प्रोग्राम इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी एस वन इक्वल पी डी डॉट सीरीज, डाटा आपका दिया है, इंडेक्स दिया है, निकालना क्या है, एस वन ऑफ एस वन ग्रेटर देन 45। अगर आप इतना लिखते हैं ना एस वन ग्रेटर देन 45, तो आपको ट्रू फॉल्स में आएगा रिजल्ट, जैसे कि ये 35 जो है वो ग्रेटर देन 45 नहीं है, तो फॉल्स इसके लिए फॉल्स, इसके लिए ट्रू, इसके लिए फॉल्स। और अगर आप लिख देते हैं एस वन ऑफ एस वन ग्रेटर देन सीरीज़ का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो जिसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा वो वाला आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ये 55 वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कंडीशनल सेलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज़। इस तरह से कंडीशनली किसी एलिमेंट को, किसी डाटा को, किसी वैल्यू को रिट्रीव करना है सीरीज से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सीधा आंसर, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आउटपुट आपका क्या आता है, C55 आएगा, और ये नीचे डेटा टाइप भी आ जाता है। ऑल दो अगर आप डी टाइप नहीं लिखते हैं, नहीं याद आ रहा है, तो एटलीस्ट आपका ये आंसर आना चाहिए C55। सी इज़ द इंडेक्स वैल्यू एंड 55 इज इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ये सी इंडेक्स हो गया किसका, 55 का, सिंस 55 इज ग्रेटर देन 45, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, राइट पाइथन कोड टू क्रिएट एंड प्रिंट द डाटा फ्रेम डी एफ अबाउट स्टूडेंट्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, इसे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से एक डाटा फ्रेम बनाइए जो कि ऐसा दिखना चाहिए। तो यहाँ आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ले लीजिए, इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी, डाटा इज इक्वल टू पहले लिस्ट का सिंबल लगा दीजिए, फिर डिक्शनरी रोल नंबर 101, नेम अमन, मार्क्स 345, एक डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। अगेन रोल नंबर 102, नेम सीता, मार्क्स फॉर 400, सिमिलरली अनदर डिक्शनरी, देन डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ये डेटा यहाँ से आपने ये वाला डेटा इसको पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन को, प्रिंट डी एफ करोगे तो आपका ये कोड हो गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से आपको डाटा फ्रेम बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको किसी फाइल में कॉपी कर दें और पाइथन में जा कर के इसे
रन करा दें तो इसका आप आउटपुट देख सकते हैं। देखिए मैंने एक न्यू फाइल खोल ली, यहाँ पर ये ले लिया, आफ्टर दैट इसे सेव किया कंट्रोल एस करके। मैं डेस्कटॉप पर P1 के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ सपोज, और इसे कर दिया रन, सीधा आउटपुट यू विल गेट द सेम आउटपुट एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, है ना। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आउटपुट है ना, रोल नंबर दिस दिस नेम मार्क्स लाइक दिस, सो हेयर इट इज़ योर आउटपुट कमिंग आउट, रोल नंबर नेम मार्क्स एंड दिस 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 इज़ योर डेटा फ्रेम क्रिएटेड, फाइन। आफ्टर दैट यहाँ से सेक्शन सी शुरू हो जाता है, यहाँ से 2 मार्कर 25th क्वेश्चन, यानी 19 to 25 आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 19 से लेकर के और 25 तक। सेक्शन सी शुरू होता है, अभी तक आप एज इट इज़ चल रहे हैं, आपका जो बोर्ड पैटर्न है बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। इसमें देखिए एक एसक्यूएल का क्वेश्चन आ गया, क्या है क्वेश्चन, ट्राई टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड, इसमें आउटपुट बताना है आपको। लुक, एक टेबल दी हुई है परचेज एंड दीज आर द एसक्यूएल कमेंट्स, बेस्ड ऑन दीज कमेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आउटपुट। सेलेक्ट लोअर ऑफ सी नेम, ये सी नेम में आपको लोअर मीन्स स्मॉल में चेंज करना है फ्रॉम परचेज वेयर क्वान्टिटी इज़ लेस देन 100, क्वान्टिटी जिसकी लेस देन 100 है, तो लेस देन 100 कौन सी है, ये 10 वाली, 50 वाली और 15 वाली, दैट मीन्स इसके नाम मालिका विल बी कन्वर्टेड इन टू स्मॉल, साहिब एंड महक, सो यू कैन सी द आउटपुट, ये आपका आउटपुट आता है। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आउटपुट लिखें एग्ज़ाम में तो बेटर मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट छूट गया था, इसमें एक क्या कहते हैं क्वेश्चन दिया था पिछला वाला, नाउ ऐड वन मोर रो विद अप्रोप्रिएट रो इंडेक्स एंड फॉलोइंग डाटा, डाटा क्या है 104, यहाँ पर नाम कृष्णा और यहाँ पर 310 होना चाहिए और इंडेक्स आपका ऑब्वियसली 3 आना चाहिए। इसके लिए कोड किया गया था df.loc, एक रो ऐड करना है 3, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, 3 कॉलम है, 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक नई रो यहाँ ऐड हो जाएगी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 2, यहाँ से देख लो, सेलेक्ट सी नेम कॉमा मंथ ऑफ DOP फ्रॉम परचेज वेयर मंथ नेम ऑफ DOP इक्वल टू अक्टूबर, जिसका मंथ नेम डेट ऑफ परचेज का अक्टूबर हो। यहाँ देखिए ये दो डाटा आपको दिख रहे हैं, इसे फिल्टर कर लीजिए, 10 10 है, इसमें अक्टूबर आ जाएगा इसका मंथ। व्हाट इज़ टू बी प्रिंटेड फॉर दैट सी नेम, उसका सी नेम क्या आ जाना चाहिए, साहिब, और एज वेल एज मंथ ऑफ DOP, DOP का मंथ 10, यहाँ पर मंथ नंबर आ जाएगा, महक इसका भी 10 आ जाएगा, सी दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस, करेक्ट। देन अनदर वन इज, अगला क्वेश्चन है SQRT ऑफ पावर ऑफ क्वान्टिटी कॉमा 2, जो क्वान्टिटी है इसकी पावर 2 कर दो फ्रॉम परचेज वे सिटी इक्वल टू चंडीगढ़, तो पहले फिल्टर करो चंडीगढ़ के 2 रिकॉर्ड और क्वान्टिटी की पावर 2 करो, 50 की पावर 2 करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो फिर से 50 आ जाएगा, 15 की पावर 2 किया उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, फिर से 15 आ जाएगा, दैट मीन्स आंसर कुड बी, ये आपकी कॉलम हेडिंग हो गई SQRT POW एज इट इज सेलेक्ट में जो लिखा हुआ है, और ये आपके आंसर हो गए 50 एंड 50 एंड 15। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27, ये 3 मार्कर्स चल रहे हैं आपके सेक्शन सी में, ठीक है। यहाँ देखिए, राइट पाइथन कोड टू क्रिएट डाटा फ्रेम विद अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम द नेस्टेड डिक्शनरी गिवन बिलो एंड देन राइट इट्स आउटपुट, ये नेस्टेड डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, देखिए यहाँ पर एक डिक्शनरी का सिंबल पहले लगा हुआ है और उसके बाद एक डिक्शनरी यहाँ पर बंद हो जाती है कॉमा लगा करके, न्यू डिक्शनरी स्टार्टेड विद इंडेक्स नंबर 1 कॉलन, न्यू डिक्शनरी इंडेक्स नंबर 2 कॉलन, न्यू डिक्शनरी, देन अल्टीमेटली द आउटर डिक्शनरी इज क्लोज्ड हेयर, सो एज इट इज़ इस डाटा को पिक करके आपको एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर देना है। तो यू कैन सी हेयर डाटा फ्रेम इम्प्रूव्ड इम्पोर्ट कर लिया, डाटा डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी पिक कर लिया,
डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम, यहाँ पर डाटा पास कर दिया, डी एफ किया, तो आपका जो आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ पर जो आउटर कीज़ हैं डिक्शनरी की वो तो बन जाती हैं कॉलम की इंडेक्स, कॉलम नेम, ठीक है, और जो इनर हैं दैट बिकम्स द रो इंडेक्स, इस तरह का आउटपुट आता है इसका, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से जब आप डाटा फ्रेम बनाते हैं तो फाइन। सो यहाँ से लेकर के ये आपका कोड हो गया, और इसका अगले पार्ट में पूछता है कि आउटपुट क्या आएगा, तो दिस इज़ द आउटपुट क्रिएटेड फ्रॉम दिस कोड, करके देखना है तो आप इसे यहाँ करके देख सकते हैं, बट इट विल वेस्ट टाइम एंड द वीडियो विल बी टू लॉन्ग, सो आप करके देख लेना अपने सिस्टम पर। नाउ डिलीट द लास्ट रो फ्रॉम द गिवन डेटा फ्रेम परमानेंटली, ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करो, डी एफ यहाँ पर स्मॉल है इसलिए डी को स्मॉल कर दीजिए, डी एफ डॉट ड्रॉप लास्ट, क्या कह रहा है रो, तो लास्ट रो का इंडेक्स क्या है, यूनिवर्सिटी, ये मैंने लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, रो डिलीट कर रहे हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, दिस कमांड विल डिलीट द लास्ट रो, ओनली द रो हैविंग इंडेक्स नेम एंड एज विल बी लेफ्ट इन दिस डेटा फ्रेम, फाइन, ये आपका हो गया डिलीटिंग द लास्ट रो। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 28, थ्री मार्कर्स, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डी एफ टूरिस्ट गिवेन एज अंडर, एक डेटा फ्रेम है जिसमें दो कॉलम है, पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है टूरिस्ट्स, चार्जेस कुछ लिखा हुआ है, और ये इंडेक्सेस हैं। ऐड ए न्यू कॉलम अर्निंग, इसमें एक नया कॉलम अर्निंग के नाम से ऐड करना है, और वैल्यूज़ होंगी 8,000, 9,000, 2,000 यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर ऐड ए न्यू रो, एक रो भी ऐड करनी है जिसका इंडेक्स चेन्नई होगा, और वैल्यूज़ यू कैन टेक योर ओन, डिलीट द न्यूली एडेड कॉलम परमानेंटली, अर्निंग वाला कॉलम परमानेंटली डिलीट कर देना, ये तीन क्वेश्चन है। तो पहले न्यू कॉलम ऐड करने की कमांड क्या होगी, डी एफ टूरिस्ट ऑफ अर्निंग इक्वल टू 8,000, 9,000, 2,000, राइट, इसके बाद आपका ये हो जाता है डी एफ टूरिस्ट ऑफ चेन्नई, नई रो ऐड होगी इसके अंदर, और न्यू रो विल बी एडेड, दैट मीन्स यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेक्स्ट रो हैविंग इंडेक्स चेन्नई एंड वैल्यूज़ ओवर हेयर, और अर्निंग वाली भी वैल्यू इसमें आ जाएगी, डी एफ ऑफ टूरिस्ट, डी एफ टूरिस्ट डाटा फ्रेम का नाम हो गया, चेन्नई इक्वल टू 2018, और ये हो गया आपका 5 लाख, देन 500, और फिर डिलीट करना है अर्निंग वाला कॉलम, तो डी एफ टूरिस्ट डॉट ड्रॉप अर्निंग एक्स इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है, अर्निंग कॉलम का नाम हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1 इसलिए कि कॉलम डिलीट कर रहे हो, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू इसलिए कि परमानेंट डिलीशन है, तो ये आपको तीनों कमांड हो गई, 1 मार्क ईच, 3 मार्क्स गिवेन, राइट। अब आप कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 29, फिशिंग क्या है, इसके लिए अमृत हैज़ रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम हिज बैंक इन्फॉर्मिंग दैट ही हैज़ वोन रुपीज 1 लाख रुपीज एंड नीड टू क्लिक ऑन द गिवन लिंक टू क्लेम द प्राइज टू शेयर हिज डिटेल, व्हाट काइंड ऑफ साइबर क्राइम इट इज़, तो ऑब्वियसली ये फिशिंग है, टेम्पटेशन दिया जा रहा है, 1 लाख का आपको प्राइज निकला है, आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया आपको आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, आपसे इम्पॉर्टेंट डिटेल या ओटीपी, क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है। व्हाट कुड हैपन इफ अमृत वुड हैव क्लिक्ड ऑन द गिवन लिंक, इनके आंसर दिए हुए हैं, अमृत कुड बी द विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड और क्राइम, करना क्या चाहिए उसे, अमृत शुडंट क्लिक ऑन द अननोन लिंक, ही शुडंट शेयर ओ टी पी एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनल क्रेडेंशियल्स एंड पासवर्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है, तो वो बच जाएगा, फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो ही कैन गो टू रिपोर्ट टू द साइबर क्राइम ब्रांच और ही कैन टेल अबाउट इट टू हिज एल्डर्स, राइट, पेरेंट्स और टीचर्स। इसके अगेंस्ट में और करके आई टी एक्ट 2000 क्या है उसके बारे में पूछा गया था, और उसके
अमेंडमेंट कब हुआ है, 2008 में, और उसमें दो जो सेक्शंस हैं जिसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया उसका यहाँ पर मैंने डिटेल लिख दिया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, व्हाट इज़ आईटी एक्ट 2000, व्हेन इट वाज अमेंडेड फर्स्ट इन द ईयर 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में 17 अक्टूबर 2000 को एक लॉ लाया गया फॉर दी साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना, प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अमेंडमेंट इन द आईटी एक्ट टू प्लेस इन द ईयर 2008। अमेंडमेंट्स में देयर वर मेनी सेक्शंस इंक्लूडेड, जैसे 66E है जिसके अंदर पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर्स वाज रिस्ट्रिक्टेड, अगर आप नहीं ओबे करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड और फाइन अप टू 2 लाख रुपीज़। 66F सेक्शन डाला गया एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म, इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, ये सारे पनिशमेंट हैं, क्या ऑफेंस करने पर क्या पनिशमेंट मिलेगा। देर आर मेनी अदर वेरियस सेक्शंस, ओनली 2 सेक्शंस वर आस्क्ड, सो आई हैव रिटन दिस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, गो थ्रू दिस पॉइंट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, फ्रॉम योर नोट्स ऑल्सो। 30th क्वेश्चन देखिए बेटा, 30वां क्वेश्चन क्या कहता है। 30th क्वेश्चन में क्या है कि एक टेबल दी गई है स्टूडेंट एसक्यूएल की, और एसक्यूएल क्वेरीज पूछी जा रही हैं कुछ, उसका जवाब देना है। डिस्प्ले क्लास वाइज लोवेस्ट मार्क्स, क्लास वाइज लोवेस्ट मार्क्स, तो आपको क्लास लेना है, लोवेस्ट के लिए मेन फंक्शन यूज़ करना है, और हर क्लास का अलग अलग लोवेस्ट मार्क्स निकालना है, जैसे 11th का अलग, 12th का अलग, 10th का अलग, तो उसके लिए आप ग्रुप बाई क्लास पर लगा देंगे। और मैंने बताया है जिस कॉलम पर ग्रुप बाई लगाते हो उस कॉलम को भी सेलेक्ट में डाल दिया करो, सो दैट इंडिविजुअल रोज फॉर पार्टिकुलर क्लास कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। सेलेक्ट क्लास कॉमा मीन ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास, हो गया आपका ये वाला आंसर, राइट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया जाता है, डिस्प्ले सिटी वाइज एवरेज मार्क्स, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको क्लास वाइज लोवेस्ट मार्क्स था, यहाँ सिटी वाइज एवरेज मार्क्स हैं, यानी कि सेलेक्ट सिटी कॉमा ए वी जी ऑफ मार्क्स ग्रुप बाई सिटी कर देंगे। डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो सेलेक्ट इसमें ग्रुप किस पर बनाएंगे, क्लास पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किससे निकालेंगे, काउंट स्टार से, तो सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाई क्लास। तो ये कमांड हो गई सिटी वाली, ग्रुप बाय सिटी फॉर फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स, और ये हो गया क्लास वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए। इसके अगेंस्ट इन्होंने वेयर और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस पूछा है, आप यहाँ से इसे पढ़ करके, वेयर जो है वो नॉर्मल फिल्टरिंग के लिए होता है, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए, और हैविंग क्या होता है, ग्रुप में से ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप नॉर्मल कमांड में लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हुयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000, सो द रिकॉर्ड्स हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000 विल बी सेलेक्टेड एंड डिस्प्लेड। यहाँ पर ग्रुप्स में सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट क्लास कॉमा एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। अगर आपको इसमें कुछ हैविंग से सेलेक्ट करना है तो यू कैन राइट हैविंग हैविंग क्लास इक्वल टू, या इन भी यूज़ कर सकते हो, क्लास इक्वल टू 10th और क्लास इक्वल टू 11th, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। अब ये जो सेक्शन डी है ना 5 मार्क्स, इसको आपको लास्ट में ले जाना, इसे समझ लीजिए कि ये सेक्शन ई है। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ द सी बी एस ई सैम्पल पेपर 5 मार्कर्स लास्ट में है, सेक्शन ई बना दिया गया 3 क्वेश्चन, और जो सेक्शन आपका ई था उसे 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, इसको डी में शिफ्ट कर दिया गया, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिलहाल इसको मैं सेक्शन डी अकॉर्डिंग टू दिस पेपर कर देता हूँ। पेपर का अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी 5 नंबर के हैं 3 क्वेश्चन, जिसे अब लेटेस्ट में सेक्शन ई बना दिया गया, डोंट फॉरगेट। राइट सुटेबल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले ऑल कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7th कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इंडिया शाइनिंग, तो इंडिया शाइनिंग से आपको क्या करना है, 7 कैरेक्टर से लेके 7वें कैरेक्टर्स ऑनवर्ड्स सारे कैरेक्टर डिस्प्ले करना है,
1 2 3 4 5 6, कहाँ से? शाइनिंग से, एस, यहाँ से सात करेक्टर है ना, नहीं सेवेंथ करेक्टर ऑनवर्ड्स, 1 2 3 4 5 स्पेस 6, सेवेंथ पर एस आ गया, यहाँ से शाइनिंग पूरा ये रिट्रीव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग ओ इन द स्ट्रिंग वेलकम वर्ल्ड। तो फर्स्ट अकरेंस क्या है? ओ की यहाँ पर है। इसको सर्च करने के लिए इन एस टी आर फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। राउंड ऑफ द वैल्यू दिस टू टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस का मतलब -1, यानी कि यहाँ तक ट्वेंटीज़ में, 23 विल बी कन्वर्टेड टू 20, 25 ऑनवर्ड्स विल बी कन्वर्टेड टू 30। इसे आप पढ़ लेना, टेंस नियरेस्ट टेंस और हंड्रेड्स वाला माइनस वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का राउंडिंग ऑफ तो आसान है, थोड़ा सा इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया सेलेक्ट इन एस टी आर वेलकम वर्ल्ड ओ, ओ को सर्च करना है। सेलेक्ट राउंड ऑफ दिस फिगर कॉमा -1 अप टू टेंस प्लेस। सेलेक्ट एस क्यू आर टी ऑफ लेंथ ऑफ प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग की, पाइथन प्रोग्रामिंग की लेंथ है उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, यहाँ देख लीजिए, डिस्प्ले द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉलम यूजर आई डी आफ्टर रिमूविंग ऑल एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। ट्रिम करके फिर उसका क्या करना है आपको, लेंथ निकाल लेना है, किसका? यूज़र आईडी का, टेबल का नाम यूज़र्स है, तो सेलेक्ट लेंथ ऑफ ट्रिम ऑफ यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र्स आ जाएगा यहाँ ऐसे। और करके आप देख लीजिए, लोअर आर ट्रिम सब स्ट्रिंग मंथ नेम और मॉड फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो ये सारे फंक्शन विद एग्जांपल एक्सप्लेन किए गए हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। लोअर दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग इन टू लोअर केस और स्मॉल लेटर्स। एक एग्जांपल दे दो, सेलेक्ट लोअर ऑफ इंडिया, रिटर्न्स स्मॉल इंडिया आ गया। ऐसे सभी जितने भी ये फंक्शंस हैं माई एस क्यू एल में, एस क्यू एल फंक्शंस, इसको क्या करना है, इसका यूसेज लिखिए और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, और ये रिटर्न क्या करेगा। बच्चे सिंपली एग्जांपल में ये लिख देते हैं, व्हाट डज इट रिटर्न दे डोंट राइट, तो ये भी लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, टू गेट द प्रॉपर मार्क्स, एक नंबर तब आपको पूरा मिल पाएगा, ठीक है। एक खाली हिंट मत किया करो, पेपर पेपर में एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 32 नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 पाँच नंबर का। आपकी बुक्स में ऐसे क्वेश्चन कई दिए होंगे, जस्ट गो थ्रू सच क्वेश्चंस। ये चार बिल्डिंग है, इन चारों बिल्डिंग्स की डिस्टेंस दी है आपस में, कौन सी बिल्डिंग कितनी डिस्टेंस पर है, हर बिल्डिंग में कितने कितने कंप्यूटर लगने हैं, ऑल दीज थिंग्स आर गिवेन। इस इनपुट को लेकर के आपको आंसर करने, सजेस्ट एंड ड्रॉ द सुटेबल केबल लेआउट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द बिल्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राज बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर, इसमें आप सर्वर लगा दीजिए, और राज बिल्डिंग से हर्ष की डिस्टेंस 50 मीटर है, राज से फैज़ की डिस्टेंस कितनी है, राज से जैज़ की डिस्टेंस 90 मीटर है, और राज बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग की भी फैज़ की डिस्टेंस 60 मीटर है। तो ये सारे 50, 60 और 90 लेस देन 100 हैं, केबल की लेंथ भी कम लगेगी, राज जिसमें आपने सर्वर इंस्टॉल किया है, एवरी बिल्डिंग इज़ हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, बट हैविंग 150 कंप्यूटर्स इन राज बिल्डिंग, सो राज बिल्डिंग इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन हाउस द सर्वर, सो दैट द मैक्सिमम ट्रैफिक कैन ट्रेवल थ्रू राज बिल्डिंग, है ना, इसे 80-20 रूल कहते हैं, जिससे मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो सर्वर के पास से या सर्वर से होकर के गुजरे नियर बाई। तो इसलिए जो है राज बिल्डिंग में हम सर्वर इंस्टॉल करें और इससे सभी बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर दें, क्योंकि सभी बिल्डिंग को कनेक्ट करने में केबल की लेंथ भी कम पड़ रही है, रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज द डिस्टेंसेज आर लेस देन 100 मीटर, जहाँ 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो वहीं पर हमें बीच में रिपीटर लगाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ राज बिल्डिंग से हर्ष को कनेक्ट कर दिया, राज बिल्डिंग को जैस से, और इसको भी फैज से, एक स्टार नेटवर्क बन रहा है, स्टार टॉपोलॉजी का पैटर्न बन रहा है। बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली सभी बिल्डिंग्स में हब या स्विच चाहिए, मल्टीपोर्ट, जिससे आप मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकेंगे। यहाँ भी
दस बीस कंप्यूटर लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं 10-20 कंप्यूटर, यहाँ 10-20 कंप्यूटर, तो सबके जो कंप्यूटर लगे हैं मल्टीपल पोर्ट्स के बिना उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती इन बिल्डिंग्स में। और यहाँ पर 150 कंप्यूटर लगे हैं तो यहाँ पर 150 पोर्ट्स चाहिए उसके लिए, इतना बड़ा स्विच हो या तो हब हो जिसमें 150 प्लग हों, 150 पोर्ट्स हों कनेक्टिविटी के लिए, जिसमें RJ45 कनेक्टर से दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सके। तो ये एक पैटर्न हो सकता है, इससे रिलेटेड बस पैटर्न भी आप बना सकते हैं डिस्टेंसेस को देखते हुए, जिससे थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो, कम से कम केबल लगे, दूसरी डिवाइसेस एक्स्ट्रा डिवाइसेस रिपीटर एट्सेट्रा ना लगाना पड़े, जिससे जो कॉस्ट ऑफ नेटवर्किंग है वो लो रहे। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसे ठीक से कर लीजिए। 5 मार्क्स इसके लिए सॉलिड आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट एंड ड्रॉ अ सुटेबल केबल लेआउट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द बिल्डिंग। वो मैंने डाल दिया, कनेक्शन आपको दिखा दिया। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस और बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली राज बिल्डिंग में हम लोग सर्वर लगाएंगे। वेयर टू प्लेस द फॉलोइंग डिवाइसेस, तो रिपीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बिल्डिंग्स की डिस्टेंस 50 मीटर, 60 मीटर और 90 मीटर है, 100 मीटर है नहीं। तो जहाँ पर 100 मीटर डिस्टेंस हो दो बिल्डिंग्स के बीच में, दो ब्लॉक्स के बीच में, वहाँ रिपीटर लगा दीजिए, अदरवाइज़ नो नीड ऑफ रिपीटर्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। स्विच कहाँ लगेगा, ये हर बिल्डिंग में लगेगा, टू प्लग इन मल्टीपल कंप्यूटर्स, है ना। वही देखो यहाँ पर 15 कंप्यूटर हर बिल्डिंग में आपको कनेक्ट करना है, एक कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करोगे, स्विच चाहिए, स्विच में मल्टीपोर्ट डिवाइस है, ठीक है, देन ओनली यू कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक द सेल काउंटर सिचुएटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द सेम सिटी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैंड मैन वैन विल बी फॉर्म्ड। कहता है कि लैंड मैन या वैन में से कौन सा नेटवर्क होगा, जस्टिफाई योर आंसर्स। आप कहाँ सेल काउंटर विद इन द सिटी, तो सिटी के अंदर 50 किलोमीटर तक, 25-50 किलोमीटर तक जो सिटी का रेंज होता है, डायमीटर होता है, उसमें अगर आपको तमाम सेल काउंटर ओपन करके और उन्हें कनेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली हम लोग मेन के लिए जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन द सिटी, ठीक है। सजेस्ट द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन लिंक कौन कौन सा, ईथरनेट केबल, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिकल। ऑब्वियसली फास्टेस्ट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है फाइबर ऑप्टिकल केबल है आउट ऑफ दीज थ्री, ठीक है। तो इनके आंसर्स आपको यहाँ पर लिखे मिल जाएंगे, ये सारे आंसर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन ग्राफ का आता है और वो 5 नंबर में आता है, जनरली 5 मार्कर्स में। क्या है क्वेश्चन, एक ये डाटा दिया हुआ है वीक 1, 2, 3, 4 और प्राइसेस ऑफ ऑनियन, फर्स्ट वीक 40, सेकेंड वीक 60, थर्ड वीक ये, फोर्थ वीक एक, इस पर आपको एक हॉरिजेंटल बार ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और कहता है एक्स वाई एक्सिस की लेबल्स भी लगाइए, टाइटल भी लगाइए, और लेबल्स के फॉन्ट साइज 14 रखिए, ग्रिड लाइन भी डालिए और उस ग्राफ को सेव भी कीजिए। उसके और में एक लाइन ग्राफ सेम डाटा सेट का दिया हुआ है, तो सिंपली ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है। इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट SPLT इम्पोर्ट कर दो, एक लिस्ट ये दे दिया, दूसरी लिस्ट ये हो गई, PLT.bar h फंक्शन वीक और प्राइस के बीच में, PLT.y लेबल वीक आपने फॉन्ट साइज 14 कर दिया, एक्स लेबल पर हेडिंग प्राइस रुपीज़ डाल करके फॉन्ट साइज 14, ग्रिड लाइंस डिस्प्ले कर दिया, टाइटल डिस्प्ले कर दिया, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया 16 और कलर रेड कर दिया, PLT.show करना ना भूलें सो दैट ग्राफ कैन बी शोन, PLT.save फिक करके आप किसी भी फाइल का नाम दे दीजिए, द इमेज ऑफ द फाइल विल बी सेव्ड इन दिस फाइल नेम ऑन द सेम लोकेशन। तो अगर आप इस पर जा करके इसे करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कोड, ग्राफ का यहाँ पर कोड किया हुआ है। एनीवे आप इस कोड को रन करा करके चेक कर लेना, ठीक है, इट विल टेक टाइम, अननेसेसरली इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो।
इसी तरह से आपका जो दूसरा ग्राफ है, लाइन ग्राफ, यहाँ पर पी एल टी डॉट बार एच की जगह आप पी एल टी डॉट प्लॉट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम है। पी एल टी डॉट प्लॉट में लाइन स्टाइल मैंने डाल दिया और मार्कर डाल दिया, तो ये आपका हो गया ग्राफ वाला क्वेश्चन 5 मार्कर। तो ये जो सेगमेंट मैंने 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन कराए आपको, ये सभी आपके सेक्शन ई में चले जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। ये सेक्शन ई आप कर रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब ये है सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चन है, 34 35 जो है वहाँ चला जाएगा ऊपर। किस में आ जाएगा 34 35? 31st और 32nd बन जाएगा वो। उसके बाद 3 क्वेश्चन 5 5 नंबर के बन जाएंगे, ठीक है। 34वां क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 टेबल बेस्ड क्वेरीज है, ज्वाइन पर बेस्ड है। एक टेबल है प्रोडक्ट, दूसरी है ब्रांड। क्वेरीज हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम, किसमें से? प्रोडक्ट टेबल से पी नेम आ जाएगा। ब्रांड नेम कहाँ से आएगा? ब्रांड टेबल से आएगा, तो दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। सेलेक्ट पी नेम कॉमा बी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट कॉमा ब्रांड, वेयर प्रोडक्ट डॉट बी आई डी इज इक्वल टू ब्रांड डॉट बी आई डी। यहाँ कॉमन कॉलम क्या है? बी आई डी, यहाँ से देख लीजिए ब्रांड आई डी, ठीक है, उस पर आप ज्वाइनिंग कर देंगे। टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल। अब आपको यूनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल में लाने हैं, तो सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट हो जाएगा, काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट। ये देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्प्ले एवरेज रेटिंग ऑफ मेडिमिक्स एंड डव ब्रांड। डव ब्रांड और मेडिमिक्स, ये ब्रांड के नाम हैं, इनकी आपको क्या एवरेज रेटिंग लानी है। तो यहाँ से देखिए, सेलेक्ट बी नेम कॉमा एवरेज रेटिंग, तो बी नेम में क्या आ जाएगा? मेडिमिक्स और डब आ जाएंगे, उसकी एवरेज रेटिंग आ जाएगी फ्रॉम प्रोडक्ट ब्रांड वेयर, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया गया इक्वी ज्वाइन से। और ग्रुप बाई किस पर लगा रहे हैं? ब्रांड नेम पर, क्योंकि ब्रांड नेम रिपीट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर ब्रांड नेम इज़ रिपीटिंग हेयर, M03 M02 M03 फिर से आ गया। 03 क्या है? पेप्सोडेंट है। M04 M05 05 05 डब है, 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इस पर आप ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है। हैविंग ब्रांड नेम इन मेडिमिक्स और डब, या तो ब्रांड नेम इक्वल टू मेडिमिक्स या ब्रांड नेम इक्वल टू डब। तो ये वाली कमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको देख लेना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट कमांड है, डिस्प्ले द नेम प्राइस एंड रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। सो डिस्प्ले पी नेम कॉमा प्राइस कॉमा रेटिंग, पी नेम कॉमा यू प्राइस कॉमा रेटिंग, है ना, फ्रॉम प्रोडक्ट और ऑर्डर बाय रेटिंग डी ई एस सी। यहाँ पर प्राइस की बजाय यू प्राइस है आपका, ठीक है। तो ऑर्डर बाय रेटिंग डी ई एस सी डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंगल टेबल बेस्ड ये क्वेरी है। और दिस इज डन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका मैं अब कर रहा हूँ, इस पेपर का 35th क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। प्रिंट ई एम पी डी एफ डॉट साइज, इस डाटा फ्रेम का साइज बताइए। साइज क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 5 हैं, 5वां कॉलम ये भी है, एरिया भी। और कितनी रो है? 1 2 3 4 5, 5 रोज एंड 5 कॉलम। तो इसका साइज क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो गया 25, साइज एट्रीब्यूट बता रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए, ई एम पी डी एफ डॉट आई एल ओ सी 0,2 0:2। 0:2 का मतलब क्या हो गया? रो नंबर 01 और कॉलम नंबर 01, ये दोनों डिस्प्ले कराने हैं। तो रो नंबर 01 ये हो गया, जिसके इंडेक्सेस 100 और 101 है, और कॉलम नंबर 01 ये हो गया, जिसका ई नेम और एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पर आई एल ओ सी यूज़ हुआ है, इसलिए कॉलम के नाम नहीं यूज़ हो रहे हैं, उनके बैक में जो इंडेक्स नंबर है वो यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप डाटा फ्रेम फिर से देखिए, 01 कौन सा है आपका? ये हो गया 0, ये हो गया 1,
और ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया वन, यानी कि इतना डाटा हमारा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, राइट? दिस इज बीइंग डिस्प्लेड। इसका बी पार्ट है आपका, देखिए बी पार्ट क्या कहता है, एक कंडीशनल क्वेरी है। हालांकि ये कंडीशनल क्वेरी आपके, डरो मत, एग्ज़ाम में शायद नहीं पूछी जाएगी, बट इफ़ इट इज़ बीइंग आस्क्ड यू कैन रिप्लाई लाइक दिस। राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ ई नेम एंड अमाउंट कॉलम्स हुज अमाउंट इज़ मोर देन 5000। जिसका अमाउंट 5000 से ज़्यादा है उसका ई नेम और अमाउंट डिस्प्ले करो। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, प्रिंट ई एम पी डी एफ डॉट एल ओ सी स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस में कंडीशन लिख दो। कंडीशन क्या है, ई एम पी डी एफ डॉट अमाउंट ग्रेटर देन 5000 पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा लगा करके जो जो कॉलम डिस्प्ले करने उन कॉलम की लिस्ट दे दो, लिस्ट ऑफ कॉलम्स। देखिए लिस्ट के फॉर्म में ई नेम और अमाउंट लिख दिया गया, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि कंडीशनल क्वेरी आपके उसमें नहीं है, तो आप उसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, ई एम पी डी एफ डॉट एल ओ सी, इन रोज़ को आपने मैन्युअली देखा और इन कॉलम को मैन्युअली लिख दिया गया, ठीक है? कौन सी रो डिस्प्ले करनी है मैन्युअली, किसका अमाउंट ग्रेटर देन 5000, सी फ्रॉम द डाटा फ्रेम, उसकी रो इंडेक्स ले लिया और उसका कॉलम नेम ले लिया, डिस्प्ले कर दिया, ये भी आपका सही माना जा सकता है, ठीक है? बट दिस इज़ मोर परफेक्ट कमेंट। सिमिलरली जिसका एड्रेस दिल्ली हो उसका ई नेम और अमाउंट डिस्प्ले करो, इन दोनों पार्ट्स में चॉइस थी। प्रिंट ई एम पी डी एफ डॉट एल ओ सी, फिर से कंडीशन डाल दिया ई एम पी ओ नहीं, ई एम पी डी एफ डॉट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, और उसका जो ये दोनों कॉलम है आप डिस्प्ले करा दीजिए, ठीक है? सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं। तो इन दैट वे योर पेपर इज़ कंप्लीटेड। इस तरह से आप ये पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इन पेपर और इसके सॉल्यूशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड करके इसके बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ टाइम टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल पेपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपके यहाँ ओवर हो चुका है। और ट्राई टू इंक्रीज़ योर स्कोर, आईपी में आपको इस बार काफ़ी गैप भी मिल रहा है, तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर एंड गेट 70 आउट ऑफ 70। साथ ही साथ मैं और भी वीडियो आपके लिए सैम्पल पेपर पर बेस्ड लेकर के आता रहूँगा। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट लेटेस्ट कंटेंट कैन बी नोटिफाइड टू यू डायरेक्टली। एंड इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।